इम्तियाज रफी भट्ट पाकिस्तान के एक मारूफ बिजनेसमैन। इनके लंबे अगर के सफर में हर मोड़ पर मंजिलें गुमा होती गईं और नई मंजिलें आती गईं। क्योंकि 2 महीने का एक यतीम बच्चा बड़ा होते हुए कितने मरहलों से गुजरा होगा और उसके तमाम सवालों के जवाब के साथ एक नया सवाल उभरता होगा। मेरे जो फॉर्मेटिव इयर्स थे ना, व्हेन आई वाज यंग इन स्कूल एंड देन इन कॉलेज, मींस टीनेज एंड अर्ली 20s, वो बहुत कंफ्यूजन थी, बनाव कंफ्यूजन थी विद इन माई सेल्फ। वो ये थी कि माय मदर यूज्ड टू टेल मी रफी भट्ट स्टेचर, हिज बिजनेस पोजीशन एंड हिज पॉलिटिकल एसोसिएशन विद जिन्ना टू मेक दिस कंट्री एंड हिज इंटरनेशनल लेवल ऑफ एक्टिविटीज इन दोज डेज। और हम माँ के घर रह रहे थे मिडिल क्लास स्टेचर में, बातें वो इतनी बड़ी कर रही होती थी, इतने तो बड़े लोगों के नाम ले रही होती थी, मुमताज दौलताना, अपना ममडोट्स, साइगर्स, ये रफी भट्ट को मिलने आ रहे होते थे। तो दैट कन्फ्यूज मी ऑल द टाइम कि माँ बातें क्या करती है। It did not fit with my lifestyle. And I felt that she is too fascinated with her husband and she is just probably imagining and fantasizing जो वो कह रही है। पहला आर्टिकल नुआए वक्त में आया रफी भट्ट के ऊपर और कायदे आजम के ऊपर, तब मैं बहुत डिवोटेड हो गया टू हैव अ वेरी सीरियस रिसर्च ऑन रफी भट्ट, पाकिस्तान मूवमेंट एंड जिन्ना। ज़माना है सारा गवाहू।